संदीप महेश्वरी, जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड यूथ आइकन्स है, उन्होंने पिछले 8 सालों में आज तक केवल कुछ ही बुक्स खासकर रिकमेंड करी है, जिसमें से एक बुक थी मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, एंड दूसरी बुक है एज अ मैन थिंक इट, जिसकी आज हम बात करेंगे। ये बुक्स में कहीं सारे पावरफुल सेंटेंसेस है, जिनमें से कुछ तो हमें हमारे घर में पोस्टर बनाकर लगा देना चाहिए। और हाँ, अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है या बुक रीड करने में आलस आता है, लेकिन आप बुक रीड करना चाहते हो लेट्स एज अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन, तो आपको ये बुक से जरूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये बुक केवल अराउंड 50 पेजेस की है एंड आप एक ही दिन में खत्म कर सकते हो। ऑल्सो, क्या आपको पता है कि इस बुक का हर एक मैसेज ऑलरेडी भगवद गीता में बताया गया है? तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना, एंड आई एम श्योर आप सबको गर्व होगा कि हमारे भगवद गीता में पहले से कितना कुछ है। तो चलो, बुक ज्ञान चैनल के साथ करें आज के ज्ञान की शुरुआत। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एज अ मैन थिंक इट एक छोटी सी बुक है, लेकिन काफी पावर पैक्ड मैसेजेस डिलीवर करती है। इस बुक के ऑथर जेम्स एलन एक बहुत ही फेमस इंस्पिरेशनल राइटर थे। आज के वीडियो में मैं आपको 9 इंपॉर्टेंट मैसेजेस बताऊंगा जो आपको डीप सोचने में जरूर मजबूर करेगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, दे देमसेल्व्स मेक देमसेल्व्स। ऑथर बताते हैं कि एक इंसान खुद ही को बनाता है। अब ये तो एक सेंटेंस है, बट इसके पीछे जीवन का संपूर्ण सार छुपा हुआ है। हम सब अपने जीवन के रचयिता है। जैसे हम चाहे वैसे हम हमारी जिंदगी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बचपन से ट्रैवलिंग पसंद हो एंड अगर इस चीज को ठान करके चल दो, तो कहीं बार आप लाइफ में अलग अलग जगह ट्रैवल करोगे, सीखोगे, एंड इवेंचुअली यू मे इवन एंड अप बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रैवलर या फोटोग्राफर एंड सो ऑन। सो लाइफ में अगर हार मान लो तो हार है, लेकिन अगर ठान लो तो फिर जीत है। नंबर 2, एज अ मैन थिंक इट सो इज ही, हिज कैरेक्टर इज द सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स। एक इंसान का चरित्र उसके विचारों पर ही निर्भर करती है। अच्छे विचार अच्छे गुणों को जन्म देती है एंड बुरे विचार बुरे चरित्र का निर्माण करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि ब्यूटी अट्रैक्ट्स हार्ट बट कैरेक्टर अट्रैक्ट्स द सोल। इंसान की सोच एक कली जैसी है जिससे कर्म का फूल खिलता है एंड उसी कर्म के आधार पर इंसान को खुशी या गम का फल मिलता है। नंबर 3, Men are anxious to improve their circumstances but are unwilling to improve themselves. कई लोग बस अपने बीते हालातों पर रोते रहते हैं, बट इन हालातों को बदलने के लिए जो खुद में बदलाव लाने की जरूरत है उस पर गौर नहीं करते। इस टॉपिक पर मुझे दशरथ मांझी की कहानी का जिक्र करना बिल्कुल सही लगता है। अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल लेके जाने को ना मिलने पर वो केवल गवर्नमेंट को दोषी नहीं मानते रहे या बस हालातों पर रोते नहीं रहे, बल्कि एक चैनी हथौड़े से पूरे के पूरे पहाड़ को तोड़ने निकल पड़े। एंड जब इरादा मजबूत हो तो हर कठिनाइयों को तुम्हारे सामने झुकना पड़ता है, फिर कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो। एक काफी इंटरेस्टिंग सी शायरी है, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को यारो, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थिति अपने आप बदल गई। नंबर 4, द बॉडी इज डेलिकेट एंड अ प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्स द शेप एज पर थॉट्स इंप्रेस्ड अपॉन इट। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है, विच लिटरली मेड मी स्माइल एंड गो डीप बोथ एट द सेम टाइम। अक्सर हमें लगता है कि हमारा शरीर तो काफी बलवान है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि इंसान के शरीर की असली शक्ति इंसान की सोच में है। सोच में इतनी ताकत है जो किसी भी शरीर को स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव या फिर कमजोर बना सकती है। इसका रियल एग्जाम्पल है जब युद्ध के समय अर्जुन अपने शस्त्र रख देते हैं एंड श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। हालांकि अर्जुन उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन केवल सोच के कारण अर्जुन पूरी तरह कमजोर पड़ जाते हैं, एंड इसलिए श्री कृष्ण उन्हें भगवद गीता सुनाते हैं, जिसके बाद फिर अर्जुन पूरी तरह अपने थॉट्स एंड माइंड को काबू कर युद्ध के लिए सज्ज हो जाते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर संडेज को 9 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को सीक्रेट्स ऑफ भगवद गीता पर लाइव करता हूँ, ताकि आप भी अर्जुन की तरह पूरी तरह सज्ज हो आपके जीवन के हर युद्ध से लड़ने के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट इंक्लूड कर दी है, आप जरूर देख लेना। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। नंबर 5, The person who thinks good of others and is cheerful with others, the universe will bring all the happiness and cheerfulness to him. Author बताते हैं कि gratitude रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सच बताऊं तो अगर हमारे पास खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी एंड रहने के लिए छत है, तो हम ऑलरेडी वो जिंदगी जी रहे हैं जो करोड़ों लोगों का बस एक सपना होता है। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा भगवान एंड सृष्टि का शुक्रगुजार रहो कि आपके पास कितना कुछ है। विश्वास रखो, ऐसा हर रोज करने से आपकी जिंदगी बहुत सफल एंड खुशियों से भर जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, हेंस इट सेड ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। ऑपरा विनफ्री कहती है, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर।
Number 6, only when a thought is linked with purpose, an intelligent and major accomplishment is achieved. अब ये काफी strong statement है दोस्तों. हम कितना भी अच्छा क्यों ना सोचे, लेकिन अगर हमारे जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो हम भटकते हुए ही रहेंगे. एंड अक्सर भटकते हुए मन में डर जन्म लेता है. इसलिए अपने जीवन में पर्पस, मिशन एंड विजन होना बहुत जरूरी है. हमें अक्सर अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, Why am I born? What is the purpose of my life, my existence on this planet? शहीद भगत सिंह जी ने अपने जिंदगी का पर्पस जल्द ही ढूंढ लिया था. अपनी जान की कुर्बानी दे दी ताकि हमारा देश आजाद हो जाए. छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बचपन से ही स्वराज्य का पर्पस पता चला था एंड उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस कार्य में लगा दी. हमारे भारत के वीर जवान भी ये पर्पस काफी जल्दी पता कर लेते हैं अपनी लाइफ में एंड देश के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं. ठीक इसी तरह हमें भी हमारा पर्पस जितना जल्दी हो सके ढूंढ लेना चाहिए. नंबर 7, द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी सपने देखने वाले ही दुनिया के लिए मसीहा होते हैं. इलॉन मस्क का एक सपना कि मार्स पर इंसान को बसाना है, ये सपना देखना ही कितना नॉर्मल लोगों के थॉट प्रोसेस से परे है. सच में ड्रीम्स आर द सीड्स टू द रियलिटीज. चाणक्य ने भी एक संयुक्त भारतवर्ष का सपना देखा था एंड तब जाके वो हकीकत बन गया. खेत में बोया हुआ एक छोटा सा सीड आखिर एक बड़ा पेड़ बन जाता है. नंबर 8, अ काम माइंड लर्न्स हाउ टू अडैप्ट टू अदर्स. वैसे बुक में ये काफी छोटा सा पॉइंट है, बट एक स्टेटमेंट है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, विच इज इन योर सोल इज द कमांडिंग मास्टर, ही डस बट स्लीप, वेक हिम अप. यानी अपने अंदर के भगवान को जगाओ. चैनल बुक ज्ञान का मिशन भी यही है, टू अवेकन द कृष्ण विद इन एवरी अर्जुन. नंबर 9 एंड लास्ट पॉइंट, देयर कैन बी नो प्रोग्रेस, नो अचीवमेंट विदाउट सैक्रिफाइस. अमिताभ बच्चन का एक मशहूर किस्सा है जब वे अपने पिता हरिवंश राय बच्चन जी से कहते हैं कि बड़ा संघर्ष है जीवन में. तब उनके पिताजी उनसे कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है. सो स्ट्रगल विल ऑलवेज बी देयर. इट इज जस्ट हाउ मच सैक्रिफाइस डू यू मेक टू अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ. सचिन तेंदुलकर ने अपनी पूरी लाइफ क्रिकेट को समर्पित कर दी, अपनी पूरी जवानी क्रिकेट प्रैक्टिस को दे दी, तब जाकर वो इतने महान बन गए. बिल गेट्स कहते हैं कि आई नेवर टुक अ डे ऑफ इन माई 20s, नॉट वन. इस उम्र में अक्सर लोग बस ट्रिप्स और पार्टीज प्लान करते हैं, बट ये सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया बिल गेट्स ने फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड इसलिए आज वो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है. हाल ही में स्कैम 1992 वेब सीरीज तो जरूर देखी होगी. उसमें एक काफी मजेदार स्टेटमेंट है ऑफ जॉन डी रॉकफेलर, वन ऑफ द रिचेस्ट बिलियनियर्स का, विच इज डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट. यानी कि सैक्रिफाइस करना कितना जरूरी है लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए. सो टू समराइज, एज अ मैन थिंक इट, एक ऐसी बुक है जिससे आप एक बुक रीडिंग हैबिट भी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि एक काफी छोटी सी बुक है, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आफ्टर फिनिशिंग द बुक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये खुद संदीप महेश्वरी जी ने रिकमेंड करी हुई बुक है. ये आपको जरूर सोचने पे मजबूर करेगी. चलो अब वैसे तो हर एक पॉइंट को हम थ्रू भगवद गीता सीख सकते हैं, बट मैं आज एक श्लोक आपके साथ शेयर करता हूँ सैक्रिफाइस पर, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड शायद भगवद गीता का वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट श्लोक है. अध्याय 3 श्लोक 14, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य आदन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. अब यहाँ पे अन्नाद का मीनिंग है फूड, भवन्ति सर्वाइव, भूतानि लिविंग बींग्स, पर्जन्य रेन, आदन्न फूड, संभवः प्रोड्यूस, यज्ञ यानी कि ऑफरिंग करना, भवति यानी कि बिकम्स पॉसिबल, पर्जन्य रेन, यज्ञ ऑफरिंग, समुद्भव इज बॉर्न ऑफ. तो मैं अब बताता हूँ कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं. सो कृष्ण बता रहे हैं कि जो खाना है, जो फूड है, जो कि सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स के लिए बहुत जरूरी है, वो प्रोड्यूस होता है रेन से. एंड फिर नेक्स्ट लाइन में कृष्ण बताते हैं, उस जमाने में साधु संत इतने एडवांस थे, इतने पढ़े लिखे थे, इतनी पावरफुल थे कि वो इंद्र भगवान को रिक्वेस्ट करके बारिश करा सकते थे कुछ यज्ञ करके. यानी कि रेन बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ सैक्रिफाइस या यज्ञ या ऑफरिंग. वैसे इसको देखा जाए तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब बादल गरजते हैं तब जाके बारिश होती है, तो उन्हें भी ठोकर खानी पड़ती है. एंड द लास्ट इज, ये सारा सैक्रिफाइस जन्म लेता है कर्म से. अब यहाँ पे इसका डीपर मीनिंग समझते हैं दोस्तों. यज्ञ यानी कि सैक्रिफाइस, अपने आप को किसी चीज के लिए झोंक देना और बाकी सब कुछ कुर्बान कर देना, दांव पे लगा देना, तो ये हो गया यज्ञ. अब बारिश, बारिश का मतलब होता है जब तुम लाइफ में स्ट्रगल करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो. अब इसका डीपर मीनिंग समझते हैं.
दोस्तों यज्ञ का मीनिंग है सैक्रिफाइस। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें कर्म करना पड़ता है। अब इस कर्म करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है और वो सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। सैक्रिफाइस करने के बाद तुम्हें रोना आता है, दैट इज द रेन। बहुत स्वेट होता है, टीयर्स आर आउट, यू ट्राई योर बेस्ट, यू स्ट्रगल, यू क्राई। लेकिन जब इतना स्ट्रगल करने के बाद तुम्हें फाइनली फूड मिलता है, यानी कि तुम्हारा जो टारगेट वो अचीव होता है, एंड ये इंपॉर्टेंस है सैक्रिफाइस का लाइफ में। दोस्तों मैंने श्लोक को और भी डिटेल में कवर किया है इन वन ऑफ माय यूट्यूब लाइव्स। मैंने लिंक ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है, अब जरूर देख लेना। साथ ही मैंने यूट्यूब लाइव की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। आई एम श्योर इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये कृष्ण के प्रॉमिसेस है फ्रॉम भगवद गीता। नाउ टू एंड, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें बुक ज्ञान चैनल एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करना, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री कृष्ण।